फरीदा भी उस घर का हिस्सा नहीं हो सकती। उस्मान को उसे अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। देखे ना, जब से उन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है कितनी आफतें आ गई हैं उन लोगों के सर। और जब से मैंने ये फैसला किया कि मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगी, फरीदा अपने घर वापस चली गई है, बल्कि उस्मान भाई खुद उसको लेने के लिए आए। उन लोगों के जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं मजीद उन लोगों को आजमाइश में ना डालूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। यकीनन आप सादिया से मिलने आए होंगे। थोड़ी ज़हीन हैं आप, आपको तो पता लग गया था। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको मायूसी होगी ये सुन के कि इस वक्त वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? आप कहाँ गई हैं? वो मुझे क्या पता, वो मुझे बता के थोड़ी जाती है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या ये रिश्ता तय करते वक्त आप लोगों ने सादिया की राय ली थी? मेरा मतलब है, यकीनन आप लोगों ने राय तो ली होगी, लेकिन उस वक्त वो बेबस थी, मजबूर थी, उसको जिंदगी बहुत बोझिल लगती होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है और अपनी मर्जी से जीना चाहती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। ये बात का मतलब बहुत साफ है, लेकिन इससे मजीद मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं अकेली बेसहारा लड़की हूँ और इन्हीं के दर पे बैठी हूँ। अगर इनको पता चल गया कि मैंने आपको सच्चाई बता दी है, तो ना जाने क्या होगा। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बताइएगा। मैं आपको अंदर जरूर बुलाती, लेकिन इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ तो नहीं। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बजी थी, कौन है? वो बच्चे की बॉल आ गई थी घर में। क्यों, तुम क्या समझे? मुझे लगा अम्मी मार्केट गई है ना, तो वो आई होगी। सच ही बोल रही होगी तुम। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, मैंने सुना है कि पहली मोहब्बत भुला के भी नहीं भुलाई जा सकती। तुम्हें अपना शौहर तो बहुत याद आता होगा, तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी। मैं गलत कह रही हूँ? बेटी खाओ, कर दे डाइटिंग, खा ले थोड़ा। अम्मा मैंने नहीं खाना, आप खाए ना। आइए आइए, काशवा कोई मिलने आया है। कौन है? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो उस्मान के ऑफिस में काम करती हो, और हॉस्पिटल में भी मेरी इससे मुलाकात हो चुकी है। अब्बा आओ बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? हम सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करते, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं
बेटा बात यह है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की की दोस्ती को खास पसंद नहीं किया जाता। ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस तक रखो, ये घर में आना तो इस तरह मायूब सी बात है। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई थी, मुझे लगता है आप लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। जी बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो भाई मर्जी उठाओ, ये लो लो ना खाओ। नहीं मैं बस चलती हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। कमाल है, तुम तो खाओ खत्म हो जाएंगे फिर। उस्मान ने माफी तो मांगी है, उनसे बात भी हो गई है। अभी सारी तैयारी करके आई हूँ। उस्मान कह रहे थे जैसे ही डिस्चार्ज होंगे ना पहले मुझे यहाँ लेने आएंगे, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। रीता तुम जा रही हो? चलो, सादिया को इत्मीनान हो गया होगा। इसे बड़ी फिक्र रहती है, कहती है कि मुस्तकिल नंद सर पे सवार ना हो जाए। इतनी नमाजें पढ़ती है, शायद इसी चीज की दुआ करती होगी। मासूमा आ रही हूँ, पता नहीं खाला को क्या काम है, आती हूँ मैं। पता नहीं मुझसे क्यों खफा रहती है ऐसे, पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। मेरा बता दिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे वजाहत पेश कर रही हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इसी तरह मुझ पर एतबार करो और मेरी नीयत पे कभी शक नहीं करो। मैं कभी भी शक नहीं करूँ। कुछ हुआ है ना सादिया? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं सादिया, मुझे पता चल रहा है, देखने में लग रहा है तुम्हें किसी ने कुछ कहा है ना, बताओ मुझे। अच्छे दोस्त ना खुदा की नेमत होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। मुझे हमारी दोस्ती पर मान है, मैं चाहती हूँ हमेशा इसी तरह से रहे। लेकिन जब दोस्तियाँ रिश्ते में बदलती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे उस तसव्वुर से भी हौल आते हैं। सादिया कुछ भी हो जाए रिदा सादिया के लिए कभी नहीं बदलेगी, मैं कभी नहीं बदलूंगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी हूँ। अरे तुम यहां बैठी हो? वैसे ये ताज्जुब हासिल करने का सही तरीका है, कहीं जाके छुप के अकेले बैठ जाओ और सब ढूंढते रहे। क्या कर रही हो यहाँ? ये काम था। काम तो मुझे कोई नहीं था, लेकिन इस वक्त यहाँ अकेले क्या हुआ? जरूर कोई प्लानिंग कर रही होगी है ना? ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने चेहरे पे इतनी मजलूमियत कैसे तारी कर लेती हो? ऐसे ही तो नहीं अनीक जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हारे पीछे पागल, जरूर उसके सामने भी ये मासूमियत और मजलूमियत का ढोंग रचाया होगा तुमने। समझ गई हूँ मैं तुम्हें। ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे सादिया तुम तो बुरा ही मान ली, मैं तो मजाक कर रही थी यार। मान भी जाओ, ऐसा मैं थोड़ी समझती हूँ। वो तुम्हारे घर के सामने वाली दो बहनें रहती हैं ना जहाँ, वो कह रही थी। क्या कह रही थी? किसी को बताना नहीं ठीक है, और सभी नहीं होना। वो कह रही थी कि अनीक इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, उसे लड़कियों की कमी थोड़ी है। जरूर सादिया ने चक्कर चलाया होगा, लेकिन प्लीज तुम उनसे जाके झगड़ा नहीं कर लेना। अब जो सुनता है यही कहता है ना। अरे सादिया फंस गई हूँ।
आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।